आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फी, या फिर आप इसे कतली भी कह सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूजी की बर्फी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज इस पर सूजी की बर्फी को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और इसे बनाने के लिए ना ही तो मैंने मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस मिल्क का। तो फिर चलिए ये टेस्टी सूजी की बर्फी बनाना हम शुरू करते हैं। सूजी की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर 2 कप हम सूजी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मोटी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बारीक वाली, जो भी आपके पास सूजी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से भुनना है। तो जब तक ये भुन रहा है ना, तो हम इसकी चाशनी को तैयार कर लेते हैं। तो गैस की दूसरी तरफ मैंने एक पैन रख लिया है और इसके अंदर 2 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ऐड कर दिया है और 3/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। वैसे 2 कप पर सूजी में 2 कप चीनी का इस्तेमाल होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना, तो 2 कप इस्तेमाल कीजिएगा। और इस तरह से हमें इसे चलाते जाना है। तो 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे सी गाढ़ी सी हमारी एक चाशनी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इतनी सी चिपचिपी हमारी जो मोटा तार बन रहा है ना, इतना चाशनी हमको चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को इमाम दस्ते में कूट लिया था और इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है ना, वो परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि जिस प्लेट में हमें बर्फी को जमाना है ना, उसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से हम फैला देंगे और इसे भी हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरी साइड हमारी जो सूजी है ना, बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए, इसका जो कलर है ना, वो लाइट पिंक आ चुका है। तो अब कढ़ाई में हम थोड़ी सी जगह कर लेंगे और इसके सेंटर में हम ऐड करेंगे 1/2 कप देसी घी। 2 कप सूजी में हम 1/2 कप देसी घी ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ही हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, ताकि ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। और जैसे ही ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाएगा ना, तब हम सूजी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हमें बहुत ही अच्छे से घी में भून लेना है। और अगर आप मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसी स्टेज पे आप मावा भी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे और हमारे मिल्क पाउडर हमने जो ऐड किया था ना, उसमें बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना आए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें रिलीज़ हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें चाशनी को ऐड कर देंगे। अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो आप इसे थोड़ी सी गर्म कर लीजिएगा और फिर इसमें ऐड कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा। तो अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है पूरे बैटर को। अब हमारे गैस की जो फ्लेम है ना, उसे हाई कर लेंगे और हाई करते वक्त इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है, जब तक हमारा बैटर जो है ना, वो गाढ़ा ना हो जाए। तो इसका साइन बस यही होता है कि हमारा जो पूरा बैटर है ना, वो फ्लफी सा हो जाएगा और हमारा जो स्पैचुला है ना, वो थोड़ा सा हैवी चलने लगेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जो बर्फी का बैटर है ना, वो परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद इसे हम फटाफट से फैला देंगे। ये सारी प्रोसेस आपको बहुत जल्द करनी होगी, क्योंकि ये जो बैटर है ना, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है और फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी और नारियल ऐड किया है, ताकि देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है ना, बस इसी वक्त इसमें ऐड कर दीजिएगा और ऐड करने के बाद छोटी कटोरी से इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी ड्राई फ्रूट हमने इसमें इस्तेमाल किया है ना, वो इसमें अच्छे से चिपक जाए। और अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसमें हमें कट लगाना है, लेकिन कट भी हमें इसी वक्त लगाना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना, तो कट नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 साइड का कट लगा दिया है। मैंने दूसरी साइड कट लगाते ही ये बहुत ही जल्दी सेट हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के बहुत ही अच्छे से कट लगा दिया है। आपको जैसी कट पसंद है आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल स्क्वायर से कट लगाया है। तो अब हम इसे सेट होने देते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं।
सूजी की बर्फी यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारी ये जो बर्फी है ना वो बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसी मेथड से इस बर्फी को बनाइएगा तो आपके घर में भी बहुत ही आसानी से ये बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस बर्फी को आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन ये जो बर्फी है ना इतनी मज़ेदार बनती है कि ये इतने दिन तक रह नहीं पाती, पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे बर्फी बनाने के मेथड पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं ना तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो इसी तरह की बेहद आसान और बेहद ही टेस्टी रेसिपी के साथ हमारी बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।